Hello everyone, this is Mansi from eVidyarthi Judge In. Let's start question number 7, exercise 3.1. So, the enrollment in the school during 6 consecutive years was as follow. So, आपको यहाँ पे enrollment दे रखा है एक school का लगातार, consecutive means लगातार 6 years का, that is, this is the data. So, आपको find क्या करना है? Find the mean enrollment of the school for this period. अब आपको mean enrollment निकालना है, means आपको क्या निकालना है? मीन ना आपको मीन निकालना है और डाटा आपके पास है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वील राइट मीन का फॉर्मूला क्या होता है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो सम मीन्स यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं आपको इन्हें ऐड करना है. सो दिस विल बी 1555 प्लस 1670 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820. सो इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर देंगे? इन सबको ऐड करके हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर सकते हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 6. मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 6. सो अपॉन 6. अब अगर आप इसको ऐड करोगे सो दिस विल बी 1 2 3 4 8 अपॉन 6. इसको ऐड करके ये नंबर आएगा डिवाइडेड बाय 6. अब ये दोनों यहाँ पे 8 है, ये 6 है, दोनों 2 के टेबल से हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 2 इंटू 3 इज 6. दिस विल बी 6 एंड 3 की जगह इट विल बी 2 वन्स आर 2, देन 14, 7 एंड 8 विल बी 4. अगेन नाउ दिस इज 3, सो वी हैव टू चेक कि ये से डिविजिबल होगा या नहीं. सो चेक टू चेक, सो टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 वी कैन एड दीज विच विल बी 6 प्लस 1, 7, 7 प्लस 7, 14, 15, 16, 17, 18. So this will be 18. Means it will be divisible by 3. So 3 1s are 3. This will be 3 2s are 6. Now, अब हमारे पास 1 आया तो 3 के टेबल में 1 नहीं आता. So उसकी जगह हम 0 करेंगे. Then this will be 17. तो 17 से छोटा आता है 15, which is 3 into 5, 15. Then we have नाउ 17 की जगह हमने 15 ली है. सो 16, 17 मीन्स 2 एक्स्ट्रा है. सो दिस विल बिकम 24 एंड 24 इज 3 इंटू 8, 24. सो द आंसर इज 2058. सो दिस इज द अर्थमैटिक मीन. फाइन, सो जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन ये आ गया. दिस इज द आंसर. सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8.